खेसारी लाल का टीम क्यों छोड़े? फिर फालतू का क्वेश्चन पूछ दिए। नहीं आप ही बोले छोड़े हैं। नहीं बहुत पहले नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं। पवन सिंह के टीम में है आप? हम नहीं है, नहीं है, नहीं है। पवन सिंह के देखे होंगे इवेंट में, बताते कि अब मेरा माइनेज अभिषेक सिंह करेंगे, दीपक सिंह नहीं, मतलब क्या कुछ हुआ? आप लोग फालतू क्वेश्चन करते हैं यार, आपके पास कोई काम है नहीं है, इसके अलावा कोई काम है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? छोड़िए, हाँ छोड़िए, जो चल रहा है इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उन लोगों का गाना क्यों नहीं आता ज्ञानती फिल्म से? मारिएगा का हमको नहीं आता। अरे मारेंगे क्यों? नहीं मारेंगे। हम आज भी उनका कर्जा खोर है, आज भी उनका हम कर्जा खा के रखे हैं, उनका पैसा हम लिए हैं खेसारी पे। क्यों लिए थे? हमारी दादी एक्सपायर की थी, हमारा हमको बिना कहे मेरे अकाउंट में भिजवा दिया। तो क्यों नहीं दिए? हम नहीं देंगे, ये कौन बात हो गया क्यों नहीं दिए? फिर हमसे मांगेंगे तब न देंगे हम। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ ज्ञानती फिल्म के मालिक राजीव शर्मा मौजूद है, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है, और इनका गाना एक आया है ज्ञानती फिल्म से, टुनटुन यादव के, रंगदार है रख दे हम फाड़ के, वो सारे गाने को लेकर के बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दे को लेकर के बात करेंगे कि खेसारी टीम छोड़े, उसके बाद पवन सिंह टीम ज्वाइन करे, और चुनाव को लेकर के बात करेंगे, तमाम मुद्दे पे बात होगी। स्वागत है सबसे पहले। नमस्ते प्रणाम, जितना भी गंगा न्यूज देखा लो सब लोग को पैर छू प्रणाम। कहाँ गायब हो गए थे राजीव जी? घरे रहनी है, इंटरव्यू देवल माना डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर माना कर दिया है? गले में प्रॉब्लम है क्या? अब इतना चिल्लाते हैं कि सामने वाला को डर जाना है, तो डॉक्टर मना किया है, चिल्लाने वाले लोगों से सावधान। चलिए हम बाद में बात करते हैं जो चुनावी मुद्दा है, उस पहले सबसे पहले गाना के लेकर के बात कीजिए। एक गाना बड़ा ही धमाका, बड़े ब्लास्ट लेके आए टुनटुन यादव और प्रभा राज के आवाज में, जो की ट्रेंड में चल रहा है, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद सब लोग का आशीर्वाद, प्यार मिल रहा है, इंस्टा पर ट्रेंड कर रहा है गाना, अभी तक 1,30,000 1.5 लाख करीब में गाना पहुंच गया। कैसे है गाना? गाना है से रही छोरब नहीं अपना शिकार के, जहां में भेटा जाई रख दे हम फार के, राखीला शौक हम तोरा जस रसीला के, रसीला के। तो लड़कियां कह रही है हटे रंगदार मजनुआ, करेला रंगदारी आरा जिला में, छपरा जिला में, पटना जिला में, जिला में, बक्सर जिला में। बहुत ही जबरदस्त गाना टुनटुन यादव और प्रभा राज के चल रहा है गाना, जो टुनटुन के गाने के लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि जब भी गाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, जो कि वो बताते हैं इंटरव्यू में कि नब्ज हम पकड़ लिए युवा को, क्योंकि आजकल के युवा भी देखिएगा ना काफी रंगदारी सॉन्ग ही पसंद कर रहे हैं, काफी रील हथियार लेके स्टैंड करके बाइक पे, ये सारे मतलब कि अभी चल रहा है। युवा को क्या कहिएगा जो कि इस गाने को तहत लोग हथियार लहरा के आप बनाना शुरू कर देते हैं रील, उनको क्या कहिएगा? युवा हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार मिलता है उन लोगों का। 18 मर्डर किस गाना आया था, युवा ही हिट कराए उस गाने को, इस गाने से मुझे उम्मीद है कि युवा ही हिट कराए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब हथियार लोग देखता है रंगदारी वाला फीलिंग होता है, तो उनको भी थोड़ा सा मन करता है कि हम रंगदारी वाला हथियार लहरा करके रील बनाए, ये कहाँ तक सही है ये गलत है? रील बनाए रंगदारी करें लेकिन गाने भाव सीमित रह जाए, हथियार नहीं, हथियार एंजॉय कीजिए, हथियार रहे लेकिन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट लकड़ी के, खिलौना नहीं, तो वो करें नहीं, ओरिजिनल हथियार कटा उटा कहीं देखते होंगे कि वीडियो वायरल होता है, ये सब तो वायरल होता तभी तो जेल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। आप लोग मैं बता देता हूं कि एंजॉय कीजिए गाने को लेकर के, लेकिन ऐसा रील ऐसा चीज नहीं बनाइए कि पुलिस आप तक पहुंचे, आपको जेल जाना पड़े, क्या राजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको कहीं नुकसान हो ऐसा काम मत करिए, और गाने को ढेर सारा दुलार प्यार दीजिए, ये गाना बहुत मस्त है, एक बार जाइए ज्ञानती फिल्म पर जा करके गाना सुनिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं जो बता रहा हूँ ये गाने सही है या गलत है, क्या? हाँ बिल्कुल, गलत लगेगा तो जो कहेंगे, शुद्ध और सही गाना है। अब आते हैं खेसारी लाल, पवन सिंह, खेसारी लाल का हनुमान माने जाते थे, खेसारी टीम को बाय बाय कर देते हैं और उसके बाद पवन सिंह के टीम में ज्वाइन कर लेते हैं। जीवन भर भैया, जीवन भर आप लोग यही क्वेश्चन करिएगा, अब तो बहुत दिन के मिले क्वेश्चन
है नहीं। और दूसरा गाना का लेकर के हम कर लिए, और कोई क्वेश्चन है तो हमारे दर्शक को बताइए। क्वेश्चन नहीं भी हम बताएंगे, आंसर भी हम देंगे कि आप क्वेश्चन करिएगा। तो हम तो कर रहे हैं ना, जो चल रहा है मुद्दा वो तो करेंगे ना। अभी आप थे वहां चुनावी मुद्दा में, पवन सिंह हार गए, हार का वजह क्या है ये बताइए। हार का वजह सबसे पहले तो निर्दलीय थे और इतना लोगों ने सपोर्ट दिया उसके लिए उनको धन्यवाद का पात्र है और धन्यवाद पवन बहन दिया भी। हारना जितना लगा रहता है हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चुनाव हारना चाहिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और आप कहते हैं हार गए, एक निर्दलीय आके जहां दिग्गज दिग्गज प्रधानमंत्री, दिग्गज राजनाथ सिंह, दिग्गज आनंद मोहन जी, दिग्गज अमित शाह जी, बड़े बड़े लोग आए, उनको हरा के, मतलब वो जिसका प्रचार किए वो हार गए और ये उनसे ऊपर थे 20,000 वोटों से, 25,000 वोटों से आगे थे। रही बात ये लोग आपस में लड़ गए, लोगों को भरोसा नहीं जता पाए इतना कम समय में, क्योंकि समय एक महीना था, एक महीना में नहीं लोगों का भरोसा जीत पाए, जिसकी वजह से चुनाव हारा। कुछ हम जितने भी वहाँ मैनेजमेंट देख रहे थे सब लोग थे, थोड़ा थोड़ा समझ सब लोगों को नहीं था, क्योंकि सब लोग भोजपुरी लाइन से थे और चुनावी मैदान में उतरे थे, तो जाहिर सी बात है कि भाई उन लोग को जानकारी नहीं थी, तो किसी का इसमें दोष नहीं होगा। बस विचार करना है कि आगे कैसे चुनाव जीतना है। चलिए एक सवाल और रहेगा, दीपक सिंह तो मतलब कि अलग हो गए, मतलब जुड़ेंगे फिर से दोबारा, अंदर की खबर चल रही है, क्या करना होगा इस पे हमसे कुछ मत पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, जिस पे आप नहीं बोलना चाहेंगे हम कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन हम बता दें दर्शकों कि अंदर के खबर चल रहा है कि दीपक सिंह तुरंत ज्वाइन करेंगे पवन सिंह टीम। कई बाइट आप हमने देखा है, बाइट लोग दे भी रहे, क्योंकि पवन सिंह भी बताते थे हमेशा कि मेरा भाई है, मेरा यार है, मेरा दोस्त है, लेकिन पता नहीं क्या खटपट हो गया, क्या दिक्कतें हो गई, कई तरह के लोग आके पैसे गाड़ी ये वो फलान चिकान ये बोल रहे हैं, लेकिन जब देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह और दीपक सिंह एक साथ फिर आते हैं तो क्या वो मंजर होता है, क्या माहौल होता है। पवन सिंह और दीपक सिंह का एक भाई माने जाते हैं, जिगरी यार माने जाते, क्या कुछ हुआ कि वो मतलब पवन सिंह देखे होंगे इवेंट में बताते हैं कि अब मेरा माइनेज अभिषेक सिंह करेंगे, दीपक सिंह नहीं, मतलब क्या कुछ हुआ। आप लोग फालतू क्वेश्चन करते हैं यार, आपके पास कोई काम है नहीं है, इसके अलावा कोई काम है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, छोड़िए हाँ छोड़िए, जो चल रहा है इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। किसको कौन भागा है हमको नहीं जानकारी, हम जवाब नहीं देंगे। हाँ। ठीक है, आप जाके कहीं और पूछ लीजिए, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। चलिए कोई बात नहीं, और बात है तो बताइए। और आप लोग फालतू, अच्छा खेसारी लाल का टीम क्यों छोड़े, फिर फालतू का क्वेश्चन पूछ दिए। नहीं आप ही बोले छोड़े हैं, नहीं बहुत पहले नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़े हैं। पवन सिंह का टीम में है हम नहीं है, नहीं है, नहीं है। पवन सिंह जो बोलिएगा वो हम नहीं है, जो बोलिएगा आप, आपका बात हम एक भी। अच्छा राजीव शर्मा ये क्या है, खेसारी जी के टीम को अलविदा बाय बाय कर देते हैं, उसके बाद पवन सिंह के टीम में जाते हैं, पूरा अपना काम वर्क जिस तरीके हमने देखा है उस तरीके से करते हैं, लेकिन उनको भी बाय बाय करते हैं। आखिर क्या हुआ आपके साथ, क्यों बाय बाय? भैया ये कौन सा बात हो गया, क्या हुआ आपको नहीं हुआ, एक चीज बताइए हम किसको बाय बाय बोल दिए हैं, खेसारी भैया को? आप बोल रहे हैं कि नहीं। हाँ। खेसारी भैया टीम। हाँ। टीम को बोले हैं। फिर तो आप, आपको खेसारी भैया से मतलब है कि टीम से मतलब है? खेसारी भाई से। तो फिर आप जय जय रहिए, बम बम रहिए, मेरे भाई हैं, उनके साथ हैं, आजीवन साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे, फिर देखने को मिलेंगे राजीव शर्मा। फोटो डाले में तभी बुझाई, संगे जानी तन ना देखे नहीं। हाँ कई स्टेज पे आप गए साथ में रहे, छोरे कहा है, लेकिन लेकिन एक समय था कि आप पोस्ट किए थे कि हमको टीम से, खेसारी टीम से अब कोई मतलब, तो दर्शक को जानना होगा ना, पोस्ट करना होगा ना आपको, तो टीम से बोले थे ना। यहाँ को सब सब लोगों से बात करता है, सब लोगों के पास जाता है, सब लोगों से मिलता है, कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, कौन किससे नहीं बात करता, कौन टीम और कौन लड़का किससे नहीं बात करता, उधर इधर सब लोग बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं। तो हमारा जो पुराना है, जो हम जिससे हमारा नाम हुआ, जिससे वो हुआ है, हम अब गद्दार नहीं हो सकते हैं, इंसान को यही होना चाहिए, जिससे मेरा लगाव है वह जीवन लगाव रहेगा। वहां भी गए थे तो दीपक भैया या कोई भी भैया होंगे, पूछ लीजिएगा कि मेरा, हमने उनको बोल दिया था कि भैया हम उनको मतलब जीवन से अपने हटा नहीं सकते, वो मेरे जीवन में एक पिता के रूप में भाई ऐसे हैं और रहेंगे।
क्या कुछ किया है उन्होंने आपके जीवन में कि आप बोल रहे हैं कि पिता के तुल्य है, भाई है? अब हम आज भी उनका कर्जाखोर है, आज भी उनका हम कर्जा खा के रखे हैं। कैसा कर्जा खाया है? कैसा कर्जा खाए? आज भी उनका कर्ज हम खाए हैं, नमक खाए हैं। आज भी मेरे ऊपर 1-1.5 लाख रुपया, उनका 2 लाख मेरे ऊपर गिर रहा होगा। उनका पैसा हम लिए हैं, कैसा रुपया? क्यों लिए थे? हमारी दादी एक्सपायर की थी, हमारा हमको बिना कहे मेरे अकाउंट में भिजवा दिए। तो क्यों नहीं दिए? हम नहीं देंगे। ये कौन बात हो गया क्यों नहीं दिए? फिर हमसे मांगेंगे तब ना देंगे। हम उनको मांगते हैं अकाउंट नंबर की, भैया दे दीजिए, डाल देता नहीं, बोलते हैं कि ये सब काम मत बतिया, टॉपिक से हटा देते हैं, पैसा नहीं लेते। तो अब क्या करें? कथी में डाल दें, मुंह में डाल दें? अब बोले हैं खेसारी जी, हाँ पैसा ले लीजिए। खेसारी जी 1 लाख रुपया बाकी है, जल्दी से जल्दी डिमांड कीजिए, ले लीजिए, काम करेगा। क्वेश्चन बंद कीजिए, सब चीज बंद कीजिए, गाने पे बात कीजिए, काम के आगे बात कीजिए। गाना का तो हम बात कर लिया जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शक को? कुछ ज्ञानदेव फिल्म पे गाना आ रहा है। कौन सा कौन आ रहा है गाना? गाना का तो एक टुनटुन यादव का चल रहा है, वो बता दिए हम। हाँ, अभी और गाना आएगा, शिवानी का आएगा लगातार, खुशी का आएगा, शिल्पी जी का आएगा। यानी बम ब्लास्ट करने वाले हैं क्या? एकदम लगातार मूड में आए जा रहे हैं, लगातार गाना आएगा। काफी दिन से सोए थे आप, अब कह रहे कि लगातार गाना आएगा, लेकिन कुछ दिन में मतलब कि रुक रुक के गाना आता था। आप लोगों के तरह पैसा नहीं ना बरसता है, माइक ले लिए, किसी से कुछ पूछ लिए, पैसा आ जाएगा, कोई लागत नहीं है। यहाँ लगाना पड़ता है, तब मेहनत करना पड़ता है, तब कुछ आता है। आप लोग हैं, माइक ले लिए, ना लागत है ना कुछ है, कुछ दिए 500 तो आइए ना। नहीं, मेरे सवाल को मत घुमाइए, क्योंकि काफी दिन से ज्ञानदीप फिल्म पे मतलब कि गाना नहीं आ रहा था, रुक रुक के आया था। 18 मर्डर केस वाला टुनटुन यादव का आया था, उसके बाद फिर अभी टुनटुन यादव। बाकी कलाकार को क्यों नहीं आता? खेसारी जी, पवन जी, सबका टीम में रहे, आखिर उन लोगों के क्यों नहीं आता? और भी हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार है, अच्छे कलाकार, उन लोगों के गाना क्यों नहीं आता ज्ञानदीप फिल्म से? मारिएगा का हमको नहीं आता? अरे महाराज, मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे? हम तो आपकी कंपनी के लिए बोल रहे हैं, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। आएगा भैया, सबका आएगा जी, आएगा भैया। चलिए चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शक जितने हमारे नाम? ये लोग विवाद कराता है, विवाद में नहीं फंसना है, बस आशीर्वाद दीजिए, ज्ञानदीप फिल्म को सपोर्ट कीजिए। चलिए बाय। चलिए तो ज्ञानदीप फिल्म पे जाइए और जाके इनके गाने सुनिए। और हमारी बातचीत हो रही थी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर के, जो कि इन्होंने साफ तौर से बता दिया है इशारों में कि अब खेसारी टीम तुरंत ज्वाइन करेंगे। खेसारी के टीम है ऐसा बात नहीं है, मतलब खुल के नहीं बोलना चाहते थे। तो इनको बातों से क्या लगता है कि राजीव शर्मा फिर दोबारा खेसारी टीम में नजर आएंगे या आने वाले हैं, या पवन सिंह के साथ में रहेंगे? देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।